वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जो आज के दिन का आखिरी मैच होगा एमआर वर्सेस जीजीआई टीम के बीच, इसके बारे में। तो गाइज इस मैच में मैं आपको तीन गेम चेंजिंग मूव बताने वाला हूं, जो कि शायद आपको ओपोनेंट सोच भी नहीं सकता है, इवन आपने भी नहीं सोचा होगा। तो मूव क्या होगा वो भी ध्यान देना, बस रिक्वेस्ट यही है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज देखो, सबसे पहला मूव अपन का जो रहेगा, हालांकि मैं आपको सारी चीजें इक्वल लेवल में बताऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से, बस देखने वाले आप होने चाहिए कि आप कितने देर वीडियो को देखते हो। तो सबसे पहला मूव अपन का रहेगा बैटिंग सेक्शन में। आप एक प्लेयर देख रहे हो जिनका जो नाम है वो है एच खान, ठीक है, और सिलेक्शन इनका इतना है कि शायद आपका ओपोनेंट सोच भी नहीं सकता है कि इसको आप लोगे या वो लेगा, मतलब मोस्टली नहीं लेके आया, कोई नहीं लेके आएगा, ठीक है। अपन को लेना है, क्यों लेना है मैं आपको रीजन बताता हूं। तो लास्ट में देखो, पहले अपन रिसेंट फॉर्म देखते हैं टीमों की। जीजीआई की अगर आप देखोगे तो 5 मैच जीजीआई की टीम खेली है, जिसमें से 3 विन किए 2 हारी है। एएमआर की बात आती है तो 6 में से 3 विन किए और 3 मैच एएमआर की टीम हारी है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन अगर आप दोनों में कंपैरिजन करोगे तो हल्का बहुत जो जीजीआई की टीम है, क्योंकि जीजीआई के पास क्या है, प्लेयर बहुत क्लासिक है, लाइक इमरान लतीफ हो गए, गजनफर इकबाल हो गए, बॉलिंग में यहां से अकील खान हो गए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जीजीआई की टीम क्या है, स्ट्रॉन्ग टीम है एएमआर से, तो लिटिल बिट चांसेस बनते एएमआर के हारने के और जीजीआई के विन करने के। अब आप जो प्लेयर देख रहे हो ना जिसका नाम एच खान है, वो किस टीम की तरफ से, वो भी है जीजीआई की तरफ से। सिलेक्शन कितना है, 3%। क्यों लेना है उसका रीजन बताता हूं। तो गाइज वैसे देखो, यहां पर आपको मैं बता सकता हूं, समझ में आएगा नहीं आपके, यहां पर आते हैं अपन फैन कोड में, ठीक है। जीजीआई की टीम अपना लास्ट मैच हार के आ रही है, ये चीज ध्यान रखना। और यहां पर एक चीज ये भी ध्यान रखना, ग्राउंड की बात करो मैं, जो भी टीम यहां पर टॉस जीतकर बॉलिंग करती है वो मैक्सिमम मैचेस विन करती है, चाहे फिर जीजीआई कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एएमआर हरा देगी अगर जीजीआई पहले बैटिंग करती है तो, ठीक है। तो मोस्टली जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करेगी, और यही रीजन से आपको उसी लेवल की टीम्स को रेडी करना है। अगर जीजीआई बैटिंग करती है तो उसके लिए टीम अलग होगी, और जीजीआई बॉलिंग करती है तो उसके लिए टीम अलग होगी। तो यहां से अपन फैन कोड पे चलते हैं। फैन कोड पे जब आप जाओगे तो यहां पर आप देखोगे हारून खान नाम से एक प्लेयर दिखेगा। अब गाइज ये जो प्लेयर है ना, फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आया, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार इन्होंने तो 5 ही रन बनाए थे, ठीक है, तो मैं इनको कभी भी, मैं किसी प्लेयर को ऐसे ही नहीं लेता हूं, मैं लाइव मैच देखता हूं और मुझे पता लग जाता है कि प्लेयर कौन कैसा खेलता है। तो ये बंदा बैटिंग में आपको बहुत अच्छा खेलता हुआ देखने को मिलेगा, इवन मैं इसकी बैटिंग की वजह से इसको नहीं लूंगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में जब अपन चलेंगे तो आपको हारून खान का नाम यहां पर भी देखने को मिलेगा, यानी कि हारून खान आपको बैटिंग से भी पॉइंट देगा, इवन बॉलिंग करवा के वहां से भी कुछ आपको पॉइंट दे दे। और सिलेक्शन आपको कितना दिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा 3%। तो ये हमारा पहला गेम चेंजिंग मूव रहने वाला है। उसके अलावा दूसरा क्या होगा, दूसरा बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको और भी मिले। उसके अलावा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, हालांकि देखो लाइक्स में मुझे पता है आप लोग बहुत कमी नहीं रखते हो, मतलब बहुत लाइक्स करते हो, तो मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लाइक तो ऑटोमेटिकली कर दिए होंगे, नहीं किया है तो कर देना। और फाइनल टीम की बात आती है तो भाई वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, इवन अभी आप देखोगे बीबीएल के मैच में हमारा ही यूजर 22 रैंक और ये मैच कंप्लीट, यानी कि 9,500 रुपये वो विन भी कर गया है। 22 रैंक कितने रुपए लगा के, 49। हालांकि वैसे तो टीम से इतने 5-6 लगा रखी थी, 5 टीम से, ठीक है, 5 टीम से अगर कोई बंदा 10 से 10,000+ विन कर रहा तो मेरे हिसाब से तो कोई गलत है नहीं, यानी कि इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 5 टीम का 250 रुपये, प्रॉफिट देखोगे 10,000। तो बाकी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम का, क्योंकि जो फाइनल टीम होगी ना वो टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो ज्वाइन कर लेना, अगर चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो भाई आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए यहां से सेकंड मूव भी मैं आपको डायरेक्टली यहीं पे बता देता हूं। अब अपन चलते बॉलिंग सेक्शन में, क्योंकि अपन को ज्यादा लंबी वीडियो खींचने की कोई आदत है नहीं, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में अपन चलेंगे तो यहां पर आप एक प्लेयर देख रहे हो जिसका नाम है ए खान, जो कि अहमद खान के नाम से जाना जाता है। आप देखो गेम की सिचुएशन चेंज हो जाती है टॉस के अकॉर्डिंग। अगर अहमद खान की टीम बॉलिंग करेगी तो मैं इस बंदे को ड्रॉप गलती से भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर बैटिंग करती है ना तो फिर क्या करना होगा अपन को। अब चलते एक बार फिर से अपन लोग फैन कोड में, फैन कोड में अपन चलते हैं। फैन कोड में आप आओगे तो यहां पर इसको सिर्फ 1 ओवर मिला,
ठीक है, क्योंकि देखो आप देखोगे इमरान लतीफ इनका मेन बॉलर है, तो यहां से 15 ओवर हो गए थे, तो मुझे कंफर्म पता है कि ये बंदा, क्योंकि एक भी ऐसा सिंगल मैच नहीं गया है जिसमें इमरान लतीफ ने 4 ओवर बॉलिंग नहीं की, तो 17 ओवर वैसे हो जाते हैं। उसके अलावा गजनफर इकबाल हो गया, मोहसिन कुरैशी, यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि अहमद खान लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया था, ठीक है, उसका रीजन था हारून खान का खेलना, इवन मोहसिन कुरैशी, फिर अक्षय जथर, तो क्या है ना बॉलर्स ज्यादा खेल रहे थे तो इनको बॉलिंग नहीं दी गई थी। इनका सिलेक्शन कितना है 60%, तो अपन क्या करेंगे इसको नहीं लेंगे। हालांकि अगर टीम में मान लो बॉलर जैसे मान लो ये नहीं खेलता है तब तो फिर मतलब ये नहीं खेलेगा तो तब तो लेना ही पड़ेगा ना, तब अपन बेवकूफ तो है नहीं कि गेम की सिचुएशन को बिना देखे टीम से रेडी करेंगे, लेकिन अगर ये खेलता है तो ये बॉलिंग भी करेगा और ओवर जो डिडक्ट होंगे वो इसी के होंगे, तो ये चीज का अपन को फायदा उठाना है। सेकंड गेम चेंजिंग मूव मैंने आपको बता दिया, अब तीसरा मूव मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं, मूव आपको पता लगा आप भाग जाओगे यहां से। चलिए यहां से प्रोबेबली ना अगर आप देखोगे तो प्रणव मेहता गजनफर इकबाल ओपन करेंगे, हारून खान फर्स्ट डाउन, शाहबाज नसर, इमरान लतीफ, उसके बाद आबिद अली, फिर अजमतुल्ला काजी, मोहसिन कुरैशी, अक्षय जतर, अहमद खान और अकील खान, ये प्रोबेबली ले उन बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ओपन डेथ देखोगे तो अकील खान, इमरान लतीफ, और डेथ में देखोगे तो अहमद खान डेथ में आता है, ये चीज ध्यान रखना, लेकिन कंडीशन अपन को पता है किस तरीके से गेम की सिचुएशन बदलती है, और सेकंड प्लेयर इमरान लतीफ और अकील खान में से कोई एक। उसके अलावा बैंचमैन के 5-6 प्लेयर है वो स्क्रीन पे आपके सामने। अब सेकंड टीम मेरे ट्रोयल्स की है तो करण सोनावाले, प्रतीक अथवाले ओपन, ट्विंकल भंडारी फर्स्ट डाउन, फिर विनायक शुक्ला, रफीउल्ला, मेहरान खान और हेमल तंदेल, वीरेन पटेल, बिलाल खान, अदनान उलक और उत्कर्ष साहू। ओपन में बिलाल खान, हेमल तंदेल, डेथ में बिलाल खान, मेहरान खान, ठीक है, और ये मेहरान खान क्या है बीच में भी आ सकता है, कब मतलब फिक्स नहीं है, कभी भी आ जाता है ये, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। बाकी यहाँ प्लेयर अच्छा है, मैक्सिमम लोगों का वीसी भी होगा मेहरान खान, यही है मेहरान खान, ठीक है, मैक्सिमम का वीसी भी होगा ये, लेकिन अपन नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है। तो बेंच में ये कुछ प्लेयर्स स्क्रीन पे आपके सामने। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी टीम, ठीक है, जो मैं स्मॉल लीग में यूज करूंगा, हालांकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कह देता हूँ, जो फाइनल टीम मिलेगी वो टेलीग्राम पे ही आपको मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अब क्या टीम है वो भी आप देख लो, ये अपना ट्रम्प कार्ड रहेगा अगर जीजीआई बॉलिंग करती है तो, ठीक है, ये मोहसिन कुरैशी बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाता है, बट मतलब बॉलिंग में क्या है ना, जो टीम टॉस जीत के बॉलिंग करती है ना तो क्या होता है फर्स्ट इनिंग में पिच स्लो होता है, और स्लो पिच होता है तो फिर बॉलर्स को अच्छी हेल्प मिलती है, वहां पर इसको विकेट बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो ये ट्रम्प कार्ड है। और बाकी देखो 11वां प्लेयर आपको पता है कौन लेना है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ मोहसिन, बाकी ये प्लेयर भी अदनान उलक, लेकिन अपन इसको तभी लेंगे जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि बैटिंग करती है तो फिर मतलब ही नहीं बनता इनको लेने का, क्योंकि देखो है तो प्लेयर अच्छा है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्या है ना बैटिंग जब टीम करती है तो फिर बॉलर जो आते हैं ना वो पिटाई खाते हैं। इवन आप देखोगे इमरान लतीफ की टीम कितनी गजब की टीम है, अच्छी खासी टीम है, लेकिन सेकेंड इनिंग में विन नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि सेकेंड इनिंग के अंदर अच्छी खासी बैटिंग होती है, तो यही रीजन से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहां से आप देखो, और ये भी है ना, ये 16 ओवर का गेम था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, 16 ओवर का गेम था, फिर भी सिर्फ एक ओवर मिलता है इसको, तो ये चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये मतलब ये प्लेयर अपन टॉस के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ठीक है, यहां से रफीउल्ला एम, और उसके अलावा अपन जो मतलब ये टीम है मेरी, ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, पन्नो मेहता पी अठवाले में सारे के सारे बेस्ट है, क्योंकि जो भी आएगा हिटिंग ही करेगा, तो अगर नॉर्मल देखते हैं ना अपन, तो अगर जीजीआई बॉलिंग करती है तो किसको लूंगा मैं, यहां से अथवाले को, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में अथवाले अच्छा है, और अगर जीजीआई बैटिंग करती है तो फिर मैं लूंगा पन्नो मेहता को, क्योंकि फर्स्ट इनिंग जो भी टीम बैटिंग करती है ना उसमें क्या है, अभी मैंने आपको एक बात बोली कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है वो हारती है, ये मैंने आपको बोला है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं, उसके प्लेयर बैट्समैन अच्छा दिखाते हैं, बस बॉलर्स में कमी आ जाती है, क्योंकि देखो जो मेन गेम डिपेंड होता है ना वो बॉलर्स के हाथ में ही होता है, बॉलर्स चाहे तो मतलब 90 रन पे ऑल आउट कर दे, ठीक है, और बॉलर्स अगर फेल होते तो टीम 200-200 बना दे, तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, यहां पर जो 11वां प्लेयर होगा वो थोड़ा सा मैं टॉस के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा अभी के लिए, तो ये टीम मान लो, और ये जो दो प्लेयर मैंने आपको बताया इसके बारे में पूरी रामायण आपको बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा क्या मैंने आपकी सोच के इनको लिया है। हेमल तंदेल के पैलेस में आप लोग एक काम ये कर सकते हो,
ये ले सकते हो, लेकिन तंदेल का 4 ओवर करना लगभग फिक्स है, तो ये फालतू का मूव होगा। कैप्टन इमरान लतीफ है, वाइस कैप्टन गजनफर इकबाल है, तो ये मेरी टीम है। अगर कोई चेंज होता है सभी एप्लीकेशंस की, चाहे फेंटाफीट हो, चाहे माइशोर इलेवन हो, जहां भी आप खेलते हो, हर प्लेटफॉर्म की मेरी यही टीम रहने वाली है। कोई चेंज होता है वो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना, ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद रहेगा मैच बहुत अच्छा जाए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।